The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Blood pressure एक force है जो कि आपके blood की खून की नसों के अंदर है, खून की नसों के walls में arteries जो मेन खून की नस हार्ट से खून लेके बाहर जाती है उनकी वॉल जो होती है उनके वॉल्स में जो प्रेशर एग्जर्ट होता है ब्लड के दौड़ने से उसे ब्लड प्रेशर कहता है और अगर ये प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वो हाई ब्लड प्रेशर है वेरी सिंपल राइट और अगर आप इस हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट ना करें अगर आप इसे ठीक नहीं कर रहे तो क्या होगा हाई ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं कर देने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे आपको हार्ट के अंदर बीमारी बनेगी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपको दिमाग के अंदर स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो सकती है वहाँ दिक्कतें भी ज़्यादा हो सकती हैं वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है आपके अंदर किडनी फेलियर किडनी में लगातार प्रेशर ज़्यादा रहने से आपकी जो फिल्टर यूरिन बनाने वाली ग्लोमेरुलर फिल्टर करने वाली जो ग्लोमेरुलस है नेफ्रॉन्स है वो भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है और साथ ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जैसे आँखों में आई प्रॉब्लम्स दिखने का प्रॉब्लम इतने सारे कॉम्प्लिकेशन है अनट्रीटेड हाई ब्लड प्रेशर का untreated high blood pressure is very very dangerous you cannot miss this right so blood pressure कैसे गिनते हैं ब्लड प्रेशर कितना होता है सबसे बेसिक से शुरू करेंगे सो ब्लड प्रेशर रीडिंग्स दो नंबर से गिने जाते हैं और नंबर वन जो ऊपर वाला होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या डायस्टोलिक ब्लड जो नीचे वाला है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों लिखा जाता है 120 उसके नीचे या उसके साइड में 80 120 बाय 80 120 साइड में 80 तो वो क्या है 120 सिस्टोलिक का मतलब है कि जब हार्ट पंप करता है तो वो फोर्स जनरेट करता है प्रेशर बढ़ जाता है तो वो हाई सिस्टोलिक जो पंप करने के बाद हार्ट रिलैक्स करता है तब भी ब्लड प्रेशर जीरो नहीं होता 120 से घट के 80 तक आ सकता है और ये एक एवरेज नंबर है हम आपको ऊपर नीचे इससे हो सकते हैं 20 ऊपर 20 नीचे चल जाएगा ब्लड प्रेशर दोनों ही केसेस में तो 120 के 20 ऊपर यानी 140 20 नीचे यानी 100 और कई लोगों का 90 तक भी नीचे रह सकता है फीमेल्स में और 180 के 20 ऊपर यानी 100 और 20 नीचे मतलब 60 तो 60 से 100 और ये से 100 लेकिन 90 तक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी और हाई इन दोनों को इसके बीच में जितना जितना एवरेज के पास लेके आएंगे उतना अच्छा है राइट सो जितना हाई नंबर जाएगा उतना ब्लड प्रेशर हाई है उतना ज्यादा रिस्क है और जितना देर तक हाई जाएगा उतना ज्यादा रिस्क है सो यहां बात दो है यहां बात वो है गया कितना हाई और दूसरी बात कितने देर तक गया सो ये दोनों बात जरूरी है इसमें याद रखिएगा और हाई देख नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता जिसका ज्यादातर जिस इंसान का ज्यादातर ब्लड प्रेशर 120 या 80 के आसपास ज्यादातर रहता है वो नॉर्मल है जिस इंसान का ब्लड प्रेशर ज्यादातर 130 बाय 80 के ऊपर रहता है 130 बाय 80 से ऊपर ज्यादातर 130 बाय 90 से ऊपर ज्यादातर रहता है उसको हम हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन कहते हैं अगर दोनों ही ब्लड प्रेशर हाई है राइट और अगर ब्लड प्रेशर हाई होने के बाद थोड़ी देर बाद कम आ गया तो उसे हाई ब्लड प्रेशर नहीं कहते उसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं उसका कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है आप स्ट्रेस में हो आपको चिंता है आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आप दौड़ रहे हो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा राइट सो हमें समझना है टेम्पररी कौन सा है और बीमारी कौन सी है सबसे बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है ब्लड प्रेशर के मॉनिटरिंग में मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा होगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा राइट अगर आपको हार्ट डिजीज है अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है अगर आपको दिमाग में स्ट्रोक हो चुका है तो आपके डॉक्टर आपको आपका ब्लड प्रेशर इस नॉर्मल में जो 120 80 130 80 के नीचे से और भी नीचे
रखना चाह सकते हैं, और उससे क्या होता है, और भी प्रेशर कम होता है हार्ट पे, आंखों पे, आपकी किडनी पे, आपके दिमाग पे। सो डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस आपका ब्लड प्रेशर टारगेट सेट होता है। और कॉजेज अगर देखें कि क्यों होगा आपका ब्लड प्रेशर हाई, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक कॉज है आपकी नमक और पानी का बैलेंस। आपकी बॉडी में आप जितना नमक डालेंगे उतना पानी साथ में रहेगा। पानी ब्लड खून को नमक से अगर नमक डालोगे तो उसको बैलेंस करने के लिए वो पानी होल्ड करेगा और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक ही खून की नस में जब वॉल्यूम ज्यादा आएगा तो ऑब्वियसली उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट? जैसे अगर आपके बकेट में पानी ज्यादा है तो उसके ज्यादा पानी उसके वॉल्व में ज्यादा प्रेशर लगाएगा, सिंपल है ना। और अगर दूसरा कारण है, तो पहला कारण हुआ नमक ज्यादा लेना, हाई सॉल्ट इनटेक। सॉल्ट किसमें है? जो नॉर्मल घर में नमक ले रहे हैं वो नहीं, जो हम बाहर से खाते हैं चीजें, जैसे हम जो भी समोसा, चिप्स, आप चिवड़ा, नमकीन और दाल सेव और ऐसी कोई भी चीजें, नमकीन, पीनट्स, नमकीन, ड्राई फ्रूट, हर चीज में नमक लगा के या मीठा लगा के आज के डेट में या तो शक्कर या नमक लगा के मार्केट में बेचा जाता है। तो आप वो खाते हो, नमकीन मजा आता है, तीखा मजा आता है, मीठा मजा आता है, लेकिन वो आपको ब्लड प्रेशर कराता है। तो वो नंबर दो चीज, नंबर दूसरा कारण है आपका किडनी या दिमाग का प्रॉब्लम, जिससे कि अगर आपकी ब्लड किडनी में बीमारी है तो किडनी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी। अगर आपको खून की नसों में बीमारी है तो वो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी। अगर आपको नर्वस सिस्टम, दिमाग में प्रॉब्लम है तो वो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। सो किडनी, ब्लड, इन तीनों चीजों की बीमारियां आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। और आपके हॉर्मोन्स, तीसरी चीज है हॉर्मोन्स, आपके हॉर्मोन्स आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। इन हॉर्मोन्स में क्या, एक तो थायराइड हॉर्मोन, आपके टेस्टोस्टेरोन, आपके दूसरे हॉर्मोन, बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जिनका ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट होता है। सो हॉर्मोन लेवल्स, आपके किडनी, दिमाग और ब्लड वेसल्स, और साथ ही आपके नमक पानी का बैलेंस, ये सब बहुत जरूरी है आपको समझना, और उसी के वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। इसी के साथ उम्र के साथ भी आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रह सकता है, और क्योंकि आपकी खून की नसें कड़क होती जाएंगी, स्टिफ होती जाएंगी, उनकी इलास्टिसिटी कम होती जाएगी, तो इसीलिए उम्र के साथ भी ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होता है। और जब आपका हाई ब्लड प्रेशर जाएगा तो आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होगी, क्या कॉम्प्लिकेशन, हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज, आपकी ब्रेन स्ट्रोक, आंखों में प्रॉब्लम, इवन अर्ली डेथ। लिटरली इसे साइलेंट किलर बोला गया है, छोटी नहीं, बहुत जोरदार बीमारी है। तो आपका अगर रिस्क है इसको बनने का, तो इसको चेक करना शुरू करो आज से। कैसे पता आपको रिस्क है? जो मोटे हैं, ओबेस, उनको रिस्क है। जिनके अंदर स्ट्रेस ज्यादा है, चिंता ज्यादा है, काम में, घर में, उनको रिस्क है। जो ड्रिंक ज्यादा करते हैं, जो बाहर का ज्यादा खाते हैं, उनको रिस्क है। जो सॉल्ट ज्यादा लेते हैं, उनको रिस्क है। जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, उनको रिस्क है। जिनको डायबिटीज है, उनको रिस्क है। जो सिगरेट पीते हैं, उनको रिस्क है। बहुत सारे रिस्क हैं। इन सब से आपको समझना होगा कि बीमारियां क्या होती। इसके अलावा जिसको हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसको पैराथायराइड प्रॉब्लम है, रीनल प्रॉब्लम है, किडनी की बीमारी है, स्लीप एपनिया है, इन सबको रिस्क होता है। किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज है, ये बीमारियों में भी होता है। और कुछ बीमारियों की दवाएं होती हैं जो आपको ब्लड प्रेशर कर सकती हैं, जैसे कि आपकी बर्थ कंट्रोल पिल्स, डाइट पिल्स, राइट, प्री प्री वर्कआउट, माइग्रेन की दवा, स्टीरॉइड्स, एंटी साइकोटिक दवाएं, और कई सारी कोल्ड की मेडिसिंस, जी हाँ, और कुछ दवाएं जो कैंसर के लिए बनाई जाती है, उनसे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सो ये हुई बात इन शॉर्ट ब्लड प्रेशर के बारे में। आप अब अपने सवाल पूछ सकते हैं, अगर कोई सवाल होगा तो हम जरूर लेंगे।